नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पति की हरकतों से परेशान महिला अपनी दो बेटियों को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रही है और पति के साथ रहने की गुहार लगा रही है। महिला का आरोप है कि पति के द्वारा उसको खर्चा देना तो दूर, उल्टा घर से सामान भी ले जाया जा रहा है। ससुर से शिकायत करने पर ससुर के द्वारा भी फोन पर अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी महिला ने अधिकारियों को सुनाई है। महिला का ससुर पुलिस विभाग में है। गौरतलब है कि पुलिस लाइन में रहने वाले कराटे कोच और स्पोर्ट टीचर जावेद खान की शादी चांदनी खातून से हुई थी, जिसके बाद उसकी दो बेटियां हैं। जावेद खान के पिता इरशाद अली मोहम्मद थाने में पदस्थ है। महिला का आरोप है कि पति जावेद खान के द्वारा उसको और उसकी बेटियों को कोई खर्चा नहीं दिया जा रहा और माँ बेटियां खाने के लिए मोहताज हैं। पति जावेद के द्वारा दिसंबर महीने में भी महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी महिला ने दर्ज करवाई थी। हाईकोर्ट की मध्यस्थता से महिला ससुराल में रहने आई थी, उसके बाद भी उसको परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब इसकी शिकायत महिला ने अपने ससुर से की तो वो फ़ोन पर उससे अभद्र व्यवहार करने लगे और बोले कि हाँ, मैं अपने बेटे की मदद कर रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, जेल में रोटी खा लूंगा लेकिन तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। संग में ठीक है का वो संग फालतू की बात है, क्या कष्ट हो रहा है उठा रही है तो? अरे आपको बता रहे, आप जी कह रहे मियाँ बीवी में, मियाँ बीवी मियाँ। हाँ हाँ, तो हम संग दे रहे हैं, हमें फांसी चढ़वा रहे तेरे घर वाले। हम जी कह रहे हैं फांसी चढ़ा रहे, आप उल्टे बोल रहे हो। हम तो आपके फायदे की बात कर रहे हैं। नहीं, हमारा नुकसान कराओ तुमने हमेशा, और कराओ और कराओ, हमारे लिए नुकसान हो रहा है। हम यहाँ खाएंगे, जेल में खाएंगे, जेल में खा लेंगे हम, जेल में। आप जी कह रहे हमें नहीं बताती, हमें नहीं कहती, तो हम तुम्हें घर की इतनी हमदर्दी हो रही, इतनी हमारी। अरे हमें तुम्हारी सबकी हो रही है, ठीक है, सबकी हो रही। हमारा ऐसे होते तो फिर कहने देते, हम जो बात कहे तो सामने कह दे, मौके गए, पता नहीं कहाँ चल रहा तुम लोगों के दिल में। तुम कहते आ रही हो तुम, मेरी तुम्हारी आप जी कह रहे, आप जी नहीं कह रहे कि वो उठाएगा, कह दिया होगा तो हम उन्हें कह दें। सीआरडी लगाए जा रहे हैं, जे उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं, बाकी सामान बाकी भैया का सामान उठा रहा तो उठा रहा है, क्या होगा? अच्छा, अरे हम कछु उठा ले तो तेरे जी काय करूं, हमसे जे कही जाती है, जिसे जे कही जाती है, अरे हम कछु ले तो तेरे जी का उठाओ जी काय करो है? उठा नहीं रहा तुम्हें, उनकी कमी थोड़ी है तुमको दे रहे हो का? हाँ हो, क्या नहीं दिया तुमको? अरे कोई बात होती कि कह लेते ना बाकू, वो तो बापो है, बाकू बाकू पर छोड़ दे। हम तो जी कह रहे सब मिल के रहे, अच्छे से रहे, मोरी को बात हो, तुम आपको सब पता है। तुम अपनी बहन को दे आती हो, कब का उन्हें कसू कही? कब आए हम भाई, कसू चाह कसू कब आए थे? तो कैमरा लगो नीचे, देख लो जाके, नहीं लगा है। सरकारी मकान है, वो सरकारी क्वार्टर है, मेरे नाम है, किसी के बाप का नहीं है वो। मैं तो खाली करवाऊंगा उसको। हाँ ठीक है ठीक है, जावेद बाहर में जा, जावेद कहाँ जा रहे, जाके अपनी औरत को लेकर, हमको कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे पास रहेगा, हमारी हमदर्दी करेगा, हमसे वफादारी करेगा, वो रहेगा हमारे पास। जो हमारी धोखा करने दाओ आपको, हमारी समझ में नहीं आ रही है, धोखा करने दाओ आपको। जब बाने जज जी के सामने ये बात कह दी, हम रहना चाहते हैं, देखो बड़ी बूढ़ी निपटाते हैं हर बात, हमने बिनो घर वालों ने कही थी बात, अबे अब की बार में निपटते ही जा रही थी, खत्म हो रहा हो तो सब। तेरे खालू ने बिगाड़ी है बात पूरी, खालू ने क्या कर दो, मेरे खालू को क्या जरूरत थी उससे कहने की तुम्हारे पापा प्लाट बेच रहे हैं? अरे तो वो चांदनी ने कहा और तो चांदनी ने कही होगी, इसे कह रहे होंगे जावेद। खालू ले क्या जाता है माँ साथ में, क्या खालू हमारे जाए तो शेख बाबू जाए, कहे तो जो है इनके घर वाले कहे उनका दबाव, हमारे आपस का मामला। हम देखो पापा जी, हम सब चुपचाप से तो हम बात करते नहीं है, हम देखो सबके सामने बात करते हैं, ठीक है, जो बात है सब हम जैसे समझाने हुआ तो हम खुद ही बिल लोगों को समझा देते हैं। सामान उठेगा क्वार्टर का, पूरा सामान उठेगा, क्वार्टर होगा खाली मेरा, तो ठीक है ना, अच्छी बात होगा, क्वार्टर खाली, क्वार्टर होगा खाली, सर प्रशासन के अंदर होगा, और बोलो तो तुम्हारा क्वार्टर करो खाली। हम जी थोड़ी ना कह रहे कि आप जी कह रहे बा का भाई है, वो उनको भाई है तो वो हमारी बहन हो गई, ये सुन ले तुम कान खोल के, बड़ी लड़का भी अपने कुछ बता दो, ठीक है, बर्बादी के लिए सबके साथ हम आराम से बात कर रहे हैं सबके सबसे।
हाँ तो हाँ तुम्हें छोटी बच्ची है, आपको छोटी छोड़ने का बच्ची फोन मैं, है उधर स्टेशन पे छोड़ के आ गए हैं, जो तो कोई मैं तरीका है बात तुम्हें करने का। तुम चली जा, तुम मतलब हाँ मैं जा रहा हाँ हूँ। तुम चली जा मुकदमे मुकदमे तुम लड़वा लोग तुम सब जने तुम तुम सबे। लोग आप शिकायत करने आई हैं, क्या मामला है? हमारे फ्रेंड है जो जाविद जाविद खान नाम है, उनने हमें छोड़ दिया। कलेक्टर साहब के लिए यहाँ पर आए थे तो हमारी सुनवाई हो नहीं रही है, तो अच्छा। हमारे ससुर जो पुलिस में है वो उनका उनसे हमारे फोन पे बात हुई थी, हमने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, तो हमें वो धमक दे रहे हैं कि तू कुछ भी कर ले तेरा कुछ नहीं होगा, मेरा पूरा स्टाफ है, मेरे घर की पुलिस है, उनने ऐसा बोला। क्या नाम है तुम्हारे ससुर का? इरशाद अली, वो थाने में तैनात है। और जो हमारे जो ससुर हैं जो हमारे सब पूरा सहयोग दे रहे हैं हमारे हस्बैंड का, एक दूसरे छोड़ दे मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगा। आपके ससुर कौन से थाने में पदस्थ? वो थाने में तैनात है। अच्छा, और हम माँ बनेंगे नहीं। क्यों? बस क्योंकि हमारी बच्चा जानी निकल चुकी है, बच्चा खत्म हो गया लड़का, हम माँ बन सन से नहीं। दो बेटियाँ हैं 14 साल की 11 साल की। आपके पति क्या करते हो? स्पोर्ट टीचर हैं और ये सारे स्कूलों में जाते हैं, भीड़ में हैं। क्या नाम है आपका? चांदनी खातून है। बड़ी लड़की के नाम है अलीशा खान, छोटी लड़की का नाम राहत खान है।